देश के दो चर्चित सांसद, जो एक है वो राज्यसभा में है कांग्रेस के द्वारा भेजे गए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के हैं जो कि जनता के वोट से जीत कर गए, और ये दोनों सांसदों की शादी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, और ये दोनों की शादी को लेकर चर्चाएं इतनी तक बढ़ गई है कि लोग अब दोनों की शादी से खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोग ये बात लिख रहे हैं कि अगर शादी हो जाए तो बेहतर होगा। अब सोचिए कि ये दोनों के चाहने वाले लोग हैं जो लोग लिख रहे हैं कि सच में ये दोनों का जोड़ी गजब का जोड़ी होगा। अब सोचिए कि बहुत ही चर्चित चेहरा, जो कि एक चेहरा इमरान प्रतापगढ़ी है कांग्रेस में, और अल्पसंख्यकों में ये चेहरा काफ़ी चर्चित भी है। अक्सर अभी चुनाव का समय है और बार बार जब चुनाव आता है तो ये प्रचार में भी खूब दिखते हैं, अल्पसंख्यकों की वोटों की कैसे बढ़ोतरी हो, जिसको लेकर ये तमाम जगहों पर चुनावी सभाएँ करते हैं। और एक तरफ अगर इकरा हसन की बात करें तो राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले ये इकरा हसन आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बनाई हुई है, और कहीं ना कहीं ये दोनों लोग कुंवारे हैं जिसको लेकर ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा तमाम थंबनेल बनाए जा रहे हैं कि आखिरकार इकरा हसन और फिर इमरान प्रतापगढ़ी के बीच शादी होनी है, लेकिन क्या सच है ये तो आप लोग भी जान रही कि सोशल मीडिया पर एक सूत्र है, ये सूत्र पढ़कर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये शादी हो जाती है तो कैसा रहेगा। बाकी आप लोग भी कमेंट में भी ये प्रतिक्रिया जरूर देंगे कि आखिरकार इस शादी से आप लोग कितना प्रतिशत खुश होंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो किसी ने तो ये भी लिख रहे हैं कि अगर शादी हो जाती है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि दोनों सांसद हैं और दोनों कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रस्त करने वाले हैं, और ऐसे परिस्थिति में अगर शादी होती है तो बेहतर होगा। और अब जो है कि कहीं ना कहीं इस खबर के बाद ना ही इमरान प्रतापगढ़ी अपनी जुबान खोले हैं और ना ही इकरा हसन जुबान खोले हैं, और ऐसे परिस्थिति में क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो ये चर्चाएं चल रही है, चर्चा पे हम सोचे क्यों नहीं आपको बता दें कि इस शादी को लेकर आप लोग क्या लिखेंगे, ये कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे।